तो फाइनली हमारे पास आज आ गए हैं बोट एडोस 131 की किलर, यानी कि बोट एडोस 100 जस्ट लॉन्च हुए हैं। 1300 रुपए में फ्लिपकार्ट अवेलेबल थे, वहां से अपन ने इसको बुलाया। तो भाई हाँ, अब ये डिवाइस जो है सही मायने में बहुत तगड़ा है, और बोट एडोस जो 131 थे बहुत ज्यादा बिके, बहुत अभी भी मतलब बिकते हैं, उसको कहीं ना कहीं बहुत तगड़ा टक्कर देते। तो फटाफट से देखते हैं, जानते हैं वीडियो में। सबसे पहले अपन डब्बे पर नजर डालते हैं। डब्बे आपको देखो बढ़िया ब्रांडिंग में मिल जाती है, कुछ की हाइलाइट्स दे रखे हैं पीछे, आप देख सकते हैं। अब कंटेंट पैकेज की बात करें, सबसे पहले आपको मिल जाती है यहाँ पर एक मैनुअल जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है किस तरह से इसको यूज करना है। 1 साल का वारंटी कार्ड मिल जाएगा, यहाँ पे एक FAQ कार्ड मिल जाता है आपको, साथ में वही बोर्ड की बुकलेट आती है जिसमें उनकी और गैजेट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन होती है वो दे रखी है। एक चार्जिंग केबल मिल जाएगी आपको टाइप सी वाली, और आपका मिल जाता है मेन डिवाइस। और मेन डिवाइस के डिजाइन की बात करूं, बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ, स्लीक बहुत रखा है, कॉम्पैक्ट बहुत रखा है, और सबसे फेवरेट चीज मेरा मैट फिनिश यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है इस ईयरबड्स में। तो क्या है कि स्क्रैचेस वगैरह नहीं लगते आप। ग्लॉसी में क्या होता है कि आपने जेब में रखा, चाबी भी रखी हुई है साथ में, तो ना स्क्रैचेस बहुत जल्दी लग जाते हैं और वो दिखते बहुत खराब है, बट यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। प्रॉपर आपको यहाँ पे मैट फिनिश देखने को मिलती है, और साइड में हल्के से आपको यहाँ पे लाइंस दे रखी है ग्लॉसी की, थोड़ा सा टेक्स्चर देने के लिए। और फ्रंट में आप देखेंगे तो बोर्ड का लोगो दे रखा है, नीचे आपको बैटरी इंडिकेशन मिल जाता है। बॉटम में जाते तो यहाँ पे आपको एक टाइप सी पोर्ट मिलता है, और एक बटन मिलता है आपको रीसेट वाला। अभी जो रीसेट बटन है इसका मेन फंक्शन क्या है कि अगर इनकेस आपने ईयरबड्स खरीदे और कभी कभी कहते हैं कि एक ईयरबड में आवाज़ आती है दूसरे ईयरबड में आवाज़ नहीं आती है, तो करना कि आपको दोनों ईयरबड को रखना है, डब्बी को बंद करना है और रीसेट बटन को दबाना है, उसके बाद आपके ईयरबड्स रीसेट हो जाते हैं और दोनों साथ में पेयर हो जाते हैं। ये बहुत बढ़िया चीज हो जाती है, मतलब आपको टच वच करने की जरूरत नहीं है, रीसेट करने के लिए प्रॉपर डेडिकेटेड बटन दे रखा है इन्होंने। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे इसके ईयरबड्स के डिजाइन पे। तो अगर आपने एप्पल की सीरीज 3 वाले ईयरबड्स देखे होंगे ना, वैसा कुछ आपको डिजाइन देखने को मिलता है, पूरा प्लास्टिक फिनिश कर रखा है, ग्लॉसी और मैट का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। बट जो इसका इन ईयर डिजाइन फिटिंग है वो मुझे पर्सनली अच्छी लगी, मतलब आप अगर इसको लंबे समय तक भी पहन रहे हो, रनिंग कर रहे हो, जॉगिंग कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, कुछ भी करो गिरते नहीं भाई, फिटिंग बहुत प्रॉपर मिलती है। और कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि बोट एडोस 131 से मुझे बेहतर लगे, और लाइट वेट भी, मतलब ऐसा नहीं आपको कान में हैवी फील होगा अगर आप लंबे समय तक यूज कर रहे हो तो इरिटेट करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं, प्रॉपर फिटिंग आपको मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं मैं ईयरबड से बहुत इंप्रेस हुआ यहाँ पे। अब आते हैं यहाँ पे इसके हार्डवेयर को लेकर। तो हार्डवेयर में उन्होंने यहाँ पे यूज किया ब्लूटूथ 5.2 कनेक्टिविटी के लिए। अब कनेक्टिविटी में एक चीज बड़ी अच्छी आपको देखने को मिलती है कि बोट का जो IWP टेक्नोलॉजी है, इंस्टा वेक एंड पेयर वाली, तो एक बार अगर आपने इसको कनेक्ट कर लिया अपने फोन से तो बस आप इसको निकालो और फटाक से कनेक्ट हो जाता है, तो ये बहुत बढ़िया चीज है। अब 10 मीटर की रेंज आपको मिलती है, मतलब अगर आप 10 मीटर तक आगे पीछे कहीं भी घूम रहे हैं तो आपको प्रॉपर कनेक्टिविटी मिल जाती है। साथ ही साथ यहां पर आपको मिल जाती है IPX4 रेटिंग, तो अगर आप स्वेट कर रहे हैं हल्का फुल्का, मतलब आपको पसीना आ रहा है, पानी लग भी रहे हैं, इस पे छीटे वीटे लग जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बट पानी में सिंक वगैरह मत करना नहीं तो फिर खराब होने के चांसेस बन जाएंगे। अब बैटरी परफॉर्मेंस एक बहुत बड़ी चीज होती है कि यार एक तो छोटा केस दे रखा है, अब बैटरी कितनी लगा रखी है और कितने घंटे तक ये चलेगा, तो यहां पर 320 mAh की बैटरी केस में आपको देखने को मिलती है। सरप्राइज हो गया था मैं भी कि यार इतने छोटे केस में इन्होंने इतनी बड़ी बैटरी लगा दी है। और परफॉर्मेंस की बात करें हाँ, तो आपको 10 घंटे एक सिंगल चार्ज में परफॉर्मेंस देखने को मिलती है पर 60% ऑफ वॉल्यूम। अगर आप 60% में सुन रहे हैं तो 10 घंटे तक आप इसमें कंटिन्यूसली म्यूजिक को एंजॉय कर सकते हैं। वहीं विद द केस की बात करें तो 40 घंटे का एक्स्ट्रा बैकअप आपको देखने को मिल जाता है पर एट 60% ऑफ वॉल्यूम। तो कहीं ना कहीं टोटल उन्होंने 50 आवर्स क्लेम किया है, एवरेजली मान के चलें अगर आप 80% या 80-90% में सुनते हैं, जो कि मुझे मालूम है लोग ना तेज आवाज़ में सुनना पसंद करते हैं, काफ़ी सारे लोग हैं, तो आप मांगे जा सकते हैं कि 4 से 5 घंटे का आपको परफॉर्मेंस एक सिंगल चार्ज में दे देंगे। बट हाँ, एक अच्छी चीज़ ये करी इन्होंने कि 5 मिनट के लिए अगर आप इसको चार्जिंग पर लगाते हो तो आप 60 मिनट्स तक कंटिन्यूसली, यानी कि इसको ईयरबड्स को यूज़ कर पाएंगे, तो ये एक थोड़ा सा फास्ट चार्जिंग वाली फीचर उन्होंने ऐड कर दिया यहाँ पे। अब ड्राइवर्स की बात करें तो 10 mm के ड्राइवर्स इन्होंने दे रखे हैं, और साउंड क्वालिटी भाई क्या ही गजब की साउंड क्वालिटी, स्पेशली मतलब मैंने इसके ट्रेबल्स एक्सपेक्ट नहीं किया था। ट्रेबल्स में जो हाई लोज और मिड्स हैं उसको काफ़ी प्रॉपर मेंटेन करके रखा है, और आपको क्लैरिटी काफ़ी अच्छी मिल जाती है, मतलब इतने कम प्राइस में मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, टू बी फ्रेंक। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो बेस है वो भी काफ़ी रीच है। यूजुअली क्या होता है कि जो ये नॉन सिलिकॉन वाले ईयरबड्स आते हैं ना, इनमें बेस उतना ज़्यादा जनरेट नहीं हो पाता है, बट इसके बेस की बात करूँ तो भाई बहुत अच्छा बेस है, फील आपको प्रॉपर मिलता है, और थंप आपको फील होगा अगर आप कान में पहन रहे फुल वॉल्यूम पे सुनोगे ना, थंप फील होगा। साथ ही अच्छी चीज़ ये भी है कि 100% भी आप सुनोगे ना तो आपको डिस्टॉर्शन वगैरह नहीं आता, कोई भी क्रैकल नहीं है, अगर आप EDM भी सुन रहे हो या नॉर्मल म्यूजिक भी सुन रहे हो प्रॉपर, यानी कि आपको यहाँ पे चीज़ें मिल जाती है। तो मैं साउंड क्वालिटी से तो बहुत इंप्रेस हुआ। साथ ही साथ इन्होंने ENX टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रखा है, यानी कि 4 माइक्रोफोन दे रखे हैं। अब 4 माइक्रोफोन देने का रीज़न ये है कि अगर आप बाहर सराउंडिंग में हैं और किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हैं तो आसपास की नॉइस को ये कैंसिल करते हैं, तो वो कहना इफेक्टिवली वर्क करेंगे। तो यहाँ पर एक बार ट्राई करके देखते हैं किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो गाइस जो आवाज़ सुन रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रही है माइक्रोफोन से ईयरबड्स के, और कुछ इस तरह की आवाज़ आती है जब भी आप बाहर यूज़ कर रहे हो कॉलिंग वगैरह के टाइम पे, तो कुछ इस तरह की परफॉर्मेंस देता है ट्रैफिक में।
अब चूंकि क्या होता है ना कि एक चीज होती है कि हम लोग यार ईयरबड्स खरीद रहे हैं तो एक गेमिंग वाली चीज भी मिली जाए, तो यहाँ पर आपको 50 ms की लो लेटेंसी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। इसमें बीस्ट मोड करके इन्होंने एक मोड दे दिया गेमिंग के लिए। अब उसमें जाएंगे तो गेमिंग में आपको थोड़ा सा इफेक्ट देखने को मिलेगा, और एक्सपीरियंस की बात करूँ तो हाँ ठीक ठाक आपको परफॉर्मेंस मिल जाती है। यहाँ पर अगर आप जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी से गेम खेल रहे हो जहाँ पे एनिमेस का वॉक अराउंड है, तो जैसे मैंने बात करी थी कि यहाँ पे क्लैरिटी काफी अच्छी, डिटेल्स काफी अच्छी मिलती है, तो आपको मालूम पड़ जाएगा किस साइड से बंदा आ रहा है, राइट से आ रहा है कि लेफ्ट से आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं है। और लेटेंसी की बात करें तो डिसेंट है, परफॉर्मेंस अच्छा मिला। तो एक बार टेस्ट करके आपको दिखा भी देते हैं किस तरह की परफॉर्मेंस आती है। अब आते हैं यहाँ पर एक मेजर अपडेट को लेके। जैसे कि आपको मालूम है कि बोट एडोस 131 थे ना, उसमें बटन दे रखा था, अब यहाँ पर आपको प्रॉपर टच दे रखा है, और टच का जो रिस्पांस है वो काफी प्रॉपर है। मतलब ऐसा नहीं कि आपने आपको डबल डबल टैप करना है या बार बार टैप करना है, ढूंढना पड़ रहा है टच को, ऐसा नहीं है। मतलब एक बार टच करा आपने आपको रिस्पॉन्स मिल जाता है। और टच फंक्शंस की बात करूँ तो वही आपको सिंगल पे टैप पे वही प्ले पॉज वाला ऑप्शन मिल जाता है। वॉल्यूम कंट्रोल वाली चीज थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग है, वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। बाकी जो आपके बेसिक फंक्शन होते हैं, ट्रैक्स वगैरह चेंज करना है, कुछ भी करना है, तो वो आप यहाँ पे टच फंक्शंस के थ्रू कर सकते हो। तो यार ओवरऑल वे में इस प्राइसिंग में, यानी कि 1300 रुपए के प्राइस में, तो ये डिवाइस बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है। और इसके कंपटीशन में जो मैं पर्सनली मानता हूँ, नॉइस के एयरबड्स मिनी आते हैं और बोट एडॉस 131 तो है ही कंपटीशन में, तो इन दोनों को ये टक्कर देते हैं। वैल्यूएबल डिवाइस है, आप इसको डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं इस प्राइसिंग पे। और हाँ, अगर आपको कंपैरिजन चाहिए इसका विद एडॉस मिनी और 131, तो हम लोग ऐसा कंपैरिजन लेकर आएंगे आपके लिए, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना उसके लिए। बाकी बस इतने कहूंगा यार, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों का शेयर कर देना, और आपका प्यारा वाला कमेंट जब भी आता है खुशी देता है, तो कमेंट जरूर से करना। और नए हैं चैनल पे, कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेट रहिएगा इंदौरी एक्सप्लोर के साथ।